कुछ दिन पहले एसएमएस हॉस्पिटल में गलत ब्लड चढ़ाने से बांदीकुई के एक युवक सचिन की मौत होने के मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है। गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने कुछ डॉक्टर्स पर कार्रवाई कर पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन मृतक के परिजनों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। न्याय नहीं मिलने से आक्रोशित होकर मृतक सचिन की बहन और ताऊ पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। परिजनों ने समझौते के तहत मांग पूरी नहीं करने का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बांदीकुई में एक पानी की टंकी पर जो मृतक सचिन है उसकी बहन और उसका ताऊ चढ़ गए टंकी पर और मांग की जा रही है न्याय की। एसएमएस हॉस्पिटल में गलत ब्लड चढ़ाने से सचिन शर्मा की मौत हो गई थी। तो मृतक सचिन की बहन और ताऊ टंकी पर चढ़े हैं बांदीकुई से, ये आपको खबर बता रहे हैं। फिलहाल लगातार प्रशासन की ओर से समझाइश की जा रही है कि टंकी से उतर जाएं, लेकिन मांग पूरी नहीं होगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक पानी की टंकी पर चढ़े रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये मामला बहुत गर्माया था। देखिए, एसएमएस हॉस्पिटल में ये मामला सामने आया था, जहां पर एक युवक जिसका नाम सचिन बताया जा रहा है, उसको गलत ब्लड चढ़ा दिया गया था, गलत प्लाज्मा चढ़ा दिया गया था और उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो गलत ब्लड चढ़ाने का ये मामला है। एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने कुछ डॉक्टर्स पर कार्रवाई कर पल्ला भी झाड़ लिया था। रेजिडेंट्स, जो डॉक्टर रेजिडेंट्स थे, वो भी धरना दे रहे थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना धरना समाप्त कर दिया। उच्च अधिकारियों से वापस इस पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन एक बार फिर से जो परिजन है, जो आप ये देख सकते हैं तस्वीर पानी की टंकी की है बांदीकुई की, जहां पर ताऊ सचिन का और जो बहन है वो पानी की टंकी पर चढ़ के विरोध जता रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बांदीकुई संवाददाता राकेश गुप्ता। राकेश, क्या कुछ जानकारी, पानी की टंकी पर ताऊ और बहन चढ़ गए हैं, फिलहाल वहां कौन कौन मौजूद है, क्या प्रशासन समझाइश कर रहा है और क्या कुछ मांगे हैं इन लोगों की? हाँ, मैं बताना चाहूंगा, मौके पर पहुंच चुका है पथवा तहसील कार्यालय की पानी की टंकी का मामला है। वहां पर बहन अलका शर्मा और ताऊ महादेव शर्मा दोनों टंकी पर चढ़ गए हैं। दोनों की मांग है करीब 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि और एक सरकारी नौकरी उन्हें दी जाए, ये उनकी मांग है। एसडीएम, तहसीलदार, एसएचओ, डीएसपी, ये तमाम जो अफसर हैं ये मौके पर पहुंच चुके हैं और समझाइश के प्रयास जारी हैं। फिलहाल एसडीएम बसवा जिला कलेक्टर से बात कर रही हैं, प्रशासन से उच्च अधिकारियों से बात करके और वो आश्वस्त करना चाहती हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है और उनकी जिद है, उनकी मांग है कि मौके पर ही अभी जो भी किया जाना है वो अभी किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी के लिए।